हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं इस रीडिंग में ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इस पर्सन की सोच आजकल आपको लेकर क्या बनी हुई है। आजकल ये पर्सन आपको किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं, आपको लेकर क्या विचार इनके मन में हैं, क्या थॉट्स इन्होंने आपको लेकर बना रखे हैं, तो ये सभी चीज़ें आज इस रीडिंग में कवर करी जाएंगी। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी मैं बना रही हूँ वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो हर बात आपसे मिल पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो जितनी बात आपसे मिलती है आप बस उतना लीजिएगा, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग जो है वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। कोई क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा है और एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है आप इसे देख सकते हैं, तब से ये आपके लिए एप्लीकेबल है। जब आपके सामने ये रीडिंग आ रही है तो समझ लीजिएगा यूनिवर्स या डिवाइन आपको कुछ गाइड करना चाहती है, कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर आजकल क्या बनी हुई है। साइलेंस, वी आर द वर्ल्ड, गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल उनको लेकर। अलोननेस, गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स। सॉरो, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर आजकल क्या बनी हुई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। द लवर्स, हीलिंग एंड बॉटम है आपका द आउटसाइडर, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर्स मुझे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें जेमिनी काफ़ी स्ट्रांग में दिखा, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है, ये आपका एक्वेरियस और ये आपका वर्गो है। तो यहाँ पर ये राशियाँ आई हैं। अभी मैं और कार्ड्स निकालूंगी तो वापस से डिस्कस करूंगी, देखूंगी कि और यहाँ पे कौन कौन सी राशियाँ हैं। तो गाइस, जैसे कि हमारा सवाल है आज की इस रीडिंग का कि आजकल इस पर्सन का आपको लेकर क्या सोचना है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोगों के बीच में ना डेफिनेटली यहाँ पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। दोनों एकदम से अपने आप को चुप करे बैठे हैं और दोनों के मन में ना ये खामोशी, ये चुप्पी ना बहुत ज़्यादा तहलका मचा रही है। बहुत ज़्यादा इस खामोशी ने दोनों को अंदर से हिला कर रख रखा है, क्योंकि इसी खामोशी की वजह से ना आप दोनों ही यहाँ पर स्टक हो। अब मैं जैसे कि बात आपके पर्सन की कर रही हूँ, तो इनके मन में, इनके दिल में आजकल ना जो ये खामोशी चल रही है, चाहे इसकी शुरुआत इनकी साइड से हुई हो, आपकी साइड से हुई हो, या ये आपसे नहीं बोल रहे हो, आप इनसे नहीं बोल रहे हो, ओवरऑल जो भी सिचुएशन है, जो भी खामोशी है, वो खामोशी इस पर्सन को अंदर ही अंदर स्टक कर रही है। अंदर ही अंदर इस पर्सन को ऐसा एहसास दिला रही है कि ये खामोशी एक ना एक दिन मुझे निगल लेगी, मुझे कहीं ना कहीं ये खामोशी एक दिन ख़त्म कर देगी। तो यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आप दोनों के बीच के रिश्ते में जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो इन्हें हर दिन, हर पल और स्पेशली आजकल जैसे ऐसा लग रहा हो कि ये खामोशियाँ मुझे निकलने के लिए मेरी और करीब डे बाय डे आती जा रही हैं। और ये पर्सन उस चीज़ से परेशान भी हैं व्यूअर्स विद दिस सॉरो कार्ड, क्योंकि देखो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि इन्हें पता है कि इस खामोशी का मतलब ये है कि इनकी दुनिया अधूरी रह गई, इनके सपने अधूरे रह गए, ये अपने सपनों को देखने के लिए अकेले रह गए हैं, या ये अपने सपनों को जीने को लेकर भी अकेले रह गए हैं। हर तरह से ये पर्सन अपने आप को आजकल अकेला पा रहे हैं और उस अकेलेपन में बहुत ज़्यादा ये उदास रह रहे हैं। ये मुझे इस पर्सन की करंट में एनर्जीज दिख रही है। इवन मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ जैसे कि ये पर्सन डे बाय डे इस चीज़ की उम्मीद खोते जा रहे हैं, इस खामोशी को देख कर, इस स्टकनेस को देख कर, कि आप दोनों कभी शायद मिलोगे भी या नहीं मिलोगे। इस चीज़ को लेकर भी जैसे कि इस पर्सन की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि शायद ना अब ये इस रिश्ते को, प्यार को, इनको हील नहीं कर पाएंगे। ये इसी तरह से अब अपनी सारी ज़िंदगी अकेले ही बिताएंगे, या फिर इन्हें ना आप जैसा प्यार करने वाला या वाली अब नसीब नहीं होगा।
होगा। तो ऐसा दिख रहा है मुझे व्यूअर्स, ये पर्सन ना आजकल बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज में है, बहुत ज़्यादा खालीपन अपनी ज़िंदगी में जैसे महसूस कर रहे हैं, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, बहुत अकेलापन, बहुत सन्नाटा, जैसे हर तरफ से ना इन्हें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा हो, कहीं पर भी उजाले की किरण इन्हें नज़र नहीं आ रही। जहाँ पर इन्हें उजाला दिखता था, खुशियाँ दिखती थी, वहाँ पर आप थे, और अब आप इनके साथ नहीं हो, या तो ये आपसे दूर चले आए या आपको इन्होंने अपने आप से दूर कर लिया। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल दिख रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन आपके प्यार के बिना अपने आप को एकदम अधूरा पा रहे हैं, एकदम अकेला पा रहे हैं, और साथ में इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब कुछ सही भी नहीं होने वाला, मतलब सब चीज़ें बंद हो गई, स्टक हो गई, सब में ताला लग गया। तो ऐसी चीज़ें इस पर्सन को आजकल बहुत ज़्यादा होपलेस कर रही हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। मुझे इवन यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि आप दोनों के बीच में ये जो हालात आए हैं ना, जो बेसिकली इनके लिए भी फेस करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, वो परिवार की वजह से आया है। वी आर द वर्ल्ड, ये एक 10 of Pentacles का कार्ड होता है, यानी कि यहाँ पर फैमिली की तरफ से जो रिचुअल्स थे, उनकी जो परंपराएं थी, उनकी जो सोच थी, उनके जो टर्म्स और कंडीशंस थे ना, उनकी वजह से इस पर्सन को ना चाहकर भी अपने फ्यूचर पर, अपने बेहतर फ्यूचर पर जो इनका आपके साथ बनने वाला था या बन भी चुका था, उस पर इन्हें ताला लगाना पड़ा। तो ऑब्वियसली आप ये सोचिएगा, जिस इंसान को ना अपने बेहतर फ्यूचर पर अपने आप से ताला लगाना पड़ रहा है, तो वो इंसान अंदर से कितना टूट रहा होगा या टूट रही होगी। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन को। हालांकि व्यूअर्स एक मन में जैसे एक बैक ऑफ द माइंड इंसान के रहता है कि कभी तो रोशनी दिखेगी, कभी तो उजाला होगा ज़िंदगी में, आज बुरा वक्त है, कभी तो ये चीज़ें सही होंगी, तो वो चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये उसे ना तो अपने आप को समझाना चाह रहे हालातों को देखकर, और ना ये सामने आपको दिखाना चाह रहे हैं, तो ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। तो ओवरऑल ये पर्सन, देखो व्यूअर्स, जो भी है ना, जिस भी तरह से है, उदास हैं, परेशान हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं अपने परिवार को ध्यान में रखकर, अपने परिवार की सलामती के लिए या अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपनी खुशियों को ये पर्सन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है समय के साथ साथ। जितना वक्त जाता जा रहा है, उतना इस पर्सन के हिस्से अकेलापन, उदासी, खामोशी ये आ रही है। तो आप सोचिएगा इनके लिए कितना डिफ़िकल्ट ये फेज़ हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, और देखते हैं टैरो से। व्यूअर्स, मुझे ना आप लोगों से एक थोड़ी सी एडवाइस लेनी है, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। आज थोड़ा सा आपको वर्क दे रही हूँ। आपको भी पता है मेरा एक और चैनल है, पाथवे विद पल्लवी, तो आप उस चैनल पर ये बताइएगा आप क्या देखना प्रेफर करेंगे। क्या आपको कुछ ऐसे मैसेजेस चाहिए जो आपको मोटिवेट करते रहें, जो आपको एनकरेज करते रहें, जो आपके अंदर हिम्मत डाले, या फिर आपको उस चैनल पर भी टैरो रीडिंग ही चाहिए, या फिर आपको उस चैनल पर कुछ और चाहिए? तो आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और क्या चाहते हो, कि आपकी किस तरह से करी जाए, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जिसे देखने में आप इंटरेस्टेड हो। तो आप मुझे बताइएगा, आज आपके लिए छोटा सा वर्क दिया जा रहा है कमेंट बॉक्स में जाकर, कि आप क्या देखना पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन आजकल व्यूअर्स को लेकर खामोशी के मामले में क्या सोच रख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए साइलेंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स, इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रख रहे हैं, गाइड कीजिए। बताइए यहाँ पे है आपका द एम्परर एंड बॉटम की एनर्जी है मैजिशियन। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे चांसेस हैं कि आप में से एक एरीज हो सकता है और एक यहाँ पे जेमिनाई हो सकता है। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, बेसिकली यहाँ पर मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि एक वक्त पे इस पर्सन ने इस सिचुएशन को, जब इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स करने थे, मेहनत करनी थी, या अपनी साइड से इन्हें एक्शन लेना था आगे बढ़कर, तो उस वक्त पे ना इस पर्सन ने इस सिचुएशन को ऐसा समझा जैसे कि सब चीज़ें इनके हाथ में हैं, सब इनके बाएँ हाथ का कमाल है, ये बाएँ हाथ से सब चीज़ें सही कर लेंगे, अगर आज बिगड़ रही हैं तो कल अपने आप से चीज़ें सही हो जाएंगी।
एजन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि इस पर्सन के माइंड में एक वक्त पे ये चीज़ें थी व्यूअर्स कि ये सिचुएशन को ना संभाल लेंगे, ये इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं है, इतना टफ नहीं है, ये सब चीज़ें ना अपने आप सही हो जाएंगी, या इनके अंदर वो जज्बा है, वो एबिलिटी है कि ये कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर चीज़ें ना पूरी तरह से बदल गई, पूरी तरह से इनके हाथ से फिसल गई, जैसे कि इस पर्सन ने रेत को अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में बटोरने की कोशिश करी, या ये सोचा कि इस रेत को उठा लेंगे, अपने मुट्ठी में बंद कर लेंगे। लेकिन जब इस पर्सन ने मुट्ठी खोली तो रेत इनके हाथ में नहीं निकली। तो इस पर्सन का आजकल कुछ ऐसा ही सोचना है कि जितना ज़्यादा ये इस रिश्ते को आसान समझ रहे थे, हलवा समझ रहे थे, या इन्हें ये समझ में आ रहा था कि अगर ये चुप रहते हैं कुछ दिन तो सब चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, सब चीज़ें इनके कंट्रोल में आ जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। और इसी रीज़न की वजह से अब ये पर्सन जो अपने अंदर इनके ओवर कॉन्फिडेंस था, यहाँ कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, जो इनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था ना, तो वो आजकल कहीं ना कहीं वही कॉन्फिडेंस इनका खामोशी की तरफ इन्हें लेकर जा रहा है, यानी कि इनकी उम्मीदों को तोड़ रहा है, इनकी पावर को, इनकी स्ट्रेंथ को यहाँ पर और डे बाई डे कमज़ोर कर रहा है। यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं एक वक्त पे इस पर्सन ने इस रिश्ते को ना दिल की बजाय सिर्फ और सिर्फ दिमाग से देखा, लॉजिक से देखा, इन्होंने ये देखा कि भाई ऐसा करने के बाद इन्हें कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है। लेकिन जैसे सभी चीज़ों पर पानी फिर गया, वो ये पर्सन आजकल महसूस कर रहे हैं, चीज़ें इतनी आसान नहीं थी जितनी इन्होंने समझ ली। देखो रिश्ता बनाना आसान होता है, रिश्ता निभाने में लग जाती है, तो वो ये पर्सन आजकल महसूस कर रहे हैं। इन्हें ये लगा एक वक्त पे रिश्ता बना लिया तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो इनकी ऐसी की तैसी हो रही है आजकल, ये इसे महसूस कर रहे हैं, यानी कि जितनी पावर थी, जितनी एबिलिटीज़ थी, जैसे कि सब इनसे छूट रही हैं, वो ये पर्सन आजकल महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है व्यूअर्स, और देखते हैं वी आर द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आजकल क्या सोच बनी हुई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए वी आर द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द हर्मिट इन रिवर्स एंड बॉटम है आपका द स्टार। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे वर्गो अगेन आया है नंबर 9, डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड द स्टार यहाँ पे अगेन आया है नंबर 17, नंबर 8, यानी कि अगस्त मंथ भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इवन मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं, आप और आपके पार्टनर इस तरह से कपल हैं, एक वर्गो और एक यहाँ पे एक्वेरियस है। देखिए व्यूअर्स क्या हो रहा है, इस पर्सन के माइंड में ना एक वक्त पे ये चीज़ें थी, जब ये उम्मीद बनाए रखे थे इस रिश्ते से, तो इनके माइंड में ये चीज़ें थी कि ये जो परिवार है ये इनका साथ देगा और दे भी रहा है, जो भी हो रहा है, जिस भी तरह से फैसले लिए जा रहे हैं ना, इनके फेवर में लिए जा रहे हैं या इनके फ़ायदे के लिए लिए जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, या इनकी होप, इनकी उम्मीदें यहाँ पर बहती जा रही हैं, वैसे वैसे इस पर्सन को ना यहाँ पर इस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि जहाँ पर ये उम्मीद देख रहे थे वहाँ पे तो उम्मीद कब की ख़त्म हो गई थी। मतलब इनका परिवार इस रिश्ते को चाहता ही नहीं था, इनके माइंड में ये था कि एक दिन इनका परिवार डेफिनेटली आपको, इस रिश्ते को कबूल कर लेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। यानी कि वही चीज़ें ना वक्त के हाथों सौंप दी, या परिवार की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को इन्होंने बहा दिया। ये चीज़ें ना ये पर्सन जब खुद अब अकेले जाकर रहे हैं, जब ये खुद अकेले जाकर पड़े हैं ना, तो इसे समझ रहे हैं कि किसी का कुछ गया नहीं, सब यहाँ पे मस्त हैं, व्यस्त हैं, सब अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, अपनी दुनिया जी रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी दुनिया को ना इनकी खुशियों के लिए कुर्बान कर दिया। तो वो चीज़ें इस पर्सन को ना आजकल बहुत ज़्यादा तोड़ रही हैं, अंदर से तोड़ रही है। जैसे कहते हैं ना, जो इंसान दूसरों की खुशियों की ज़्यादा परवाह करता है या करती है ना, वही एंड द रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा दुखी होता है। तो ये पर्सन ना आजकल इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं, ये यहाँ पे है। अलोननेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए
इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन का आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है, अलोननेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए। इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन का आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। डेविल इन रिवर्स एंड टेन ऑफ कप्स, देखिए अकेले ये रह गए अपने घमंड की वजह से, जो घमंड इन्होंने दिखाया, अपने परिवार का घमंड दिखाया, परिवार का स्टेटस ज़्यादा अच्छा हो आपके स्टेटस से या ट्रेडिशंस वाइज आप अलग हो, तो जो घमंड इन्होंने एक वक्त पे दिखाया ना, उसी घमंड ने इन्हें अकेला कर दिया है, ये पर्सन आजकल सोच रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इस पर्सन की शक्तियाँ, इस पर्सन की पावर, इस पर्सन की स्ट्रेंथ सबकी सब यहाँ पर इनसे मुँह रही है, ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। मतलब अब कोई साथ देने वाला नहीं है और बदले में इन्हें मिल क्या रहा है, अकेलापन। यानी कि जो था आप इनके साथ थे, वो खुशियाँ थी, वो कलर्स थे, वो प्यार, इमोशन, सपोर्ट, केयर, मतलब सब था, वो छूट रहा है। और रीज़न क्या था, वो ईगो, रीज़न क्या था, वो मैन्युपुलेटिव बातें। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स इन चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन इतने अड़ियल किस्म के मुझे इंसान दिख रहे हैं अपने आप से, सामने से आकर ये चीज़ें कभी भी आपसे नहीं बोलेंगे, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सौरव को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या सोच बनी हुई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। सौरव को क्लैरिफाई कीजिए बताइए, आखिर अभी किस तरह का दुख है इनके मन में, यूनिवर्स गाइड कीजिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए व्यूअर्स दुख है इन्हें इस चीज़ का जो इनके ज़िंदगी में ना एक ऐसा गम बनकर रह गया है, जो ये मिटने का नाम नहीं ले रहा, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, वो है थर्ड पार्टी को इस रिश्ते में इन्वॉल्व करना, थर्ड पार्टी की खुशियों का ज़्यादा ख्याल रखना, थर्ड पार्टी के घर को भरते रहना और अपने घर को बर्बाद कर देना। तो वो गम इस पर्सन का ऐसा बन गया है जो मिटने का, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसके बारे में अब ये पर्सन आजकल बहुत सोच रहे हैं। मतलब सबके घर यहाँ पे खुशियों से भर गए हैं, इन्होंने सबकी खुशियों के चलते अपनी खुशियों को इस कदर ख़त्म कर दिया, उसे ये पर्सन जितना सोचते हैं उतना ज़्यादा इनके हिस्से सिर्फ और सिर्फ उदासी आती है, ये अकेलापन आता है, ये तकलीफ़ आती है। तो लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आजकल व्यूअर्स को लेकर सोच क्या बनी हुई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सोच। फाइव ऑफ वैंड्स इन रिवर्स एंड द हैंगमैन इन रिवर्स, देखिए व्यूअर्स ये आपका एरीज लियो एंड सजिटेरियस भी आ गया है, यानी कि मेष सिंह एंड धनु राशि, ठीक है, और ये पाइसेस है, तो चांसेस है आप में से एक फायर एलिमेंट है और एक यहाँ पे पाइसेस है, तो उसके भी यहाँ पर चांसेस कुछ लोगों के केस में बन रहे हैं। इनके माइंड में ना, इनके दिल और दिमाग में आजकल इस तरह का ज्वालामुखी फट रहा है, उस तरह का महायुद्ध, महासंग्राम चल रहा है कि इन्होंने क्यों आपको अपनी ज़िंदगी से सरेंडर कर दिया, क्यों इन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से हैंग कर लिया, ठीक है। यानी कि आजकल इस पर्सन के दिमाग में ना आपके साथ के रिश्ते को लेकर ये चीज़ें चल रही है, आखिर क्यों इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया किसी और की खुशियों के लिए, ठीक है, या क्यों इन्होंने वो दरवाज़े बंद कर दिए, इन्हें वो दरवाज़े खोले रखने चाहिए थे, अगर ये वो खोले रखते तो कोई तो चांस होता ना आपका इनकी तरफ बढ़ने का या इनका आपकी तरफ बढ़ने का, लेकिन इन्होंने तो वो ऑप्शंस, वो रास्ते तक बंद कर दिए, उन तक में ताला लगा दिया है, तो वो गम इस पर्सन को परेशान कर रहा है आजकल, जिससे ये हील भी नहीं हो पा रहे हैं। हीलिंग को क्लैरिफाई कीजिए बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या सोच बनी हुई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। हीलिंग को क्लैरिफाई कीजिए बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या है। जस्टिस एंड डेथ इन रिवर्स, बॉटम है आपका प्रिंस ऑफ, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स, देखिए व्यूअर्स स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, तो चांसेस हैं इस तरह से आप कपल हो सकते हैं। इनके माइंड में ना
आजकल ये चीज़ें चल रही हैं कि ये तब तक हील नहीं हो पाएंगे, ये तब तक इस गम से बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक ये इस रिश्ते को आपको न्याय नहीं दे देते हैं, जब तक ये इस रिश्ते में एक नई शुरुआत नहीं करते हैं, आपकी ज़िंदगी में जब तक किसी तरह का ट्रांसफॉर्म नहीं देख पाते हैं या नहीं देखते हैं ना, तब तक ये ना अपने आप को भी हील नहीं कर पाएंगे। मतलब आपके साथ इन्होंने इतना न्याय करा है, जब तक आप अब सुखी नहीं हो पाते हो, जब तक आपकी हिस्से खुशियां नहीं आती है ना, तब तक शायद ये भी कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो वो इन्हें ना आजकल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की, एकदम क्लियर कट करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये समझ रहे हैं इनका प्रैक्टिकल होना, क्लियर कट होना चीज़ों को और स्टक करता जा रहा है और कॉम्प्लिकेट करता जा रहा है। तो ये पर्सन महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स आजकल बहुत ज़्यादा। चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं। इन सभी चीज़ों के बाद ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, गाइड कीजिए बताइए, गाइड कीजिए बताइए। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। तो आपसे अब ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि कभी भी ऐसा तो नहीं चाहते थे कि इनकी इन हरकतों के बाद आपका दिल टूटे। आई एम अफ्रीड ऑफ रिजेक्शन। अब डर लगता है कि अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। आई एम अफ्रीड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना अगला कदम उठाने में, आपसे बात करने से डर रहे हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। You are the best thing that happened to me। हालांकि इस चीज़ को समझ गए हैं कि आपका इनकी ज़िंदगी में आना यानी कि सबसे बेहतर चीज़ का होना था। I need to go my own way for a while। ये आपसे कहना चाह रहे हैं अब कि शायद ये डिज़र्व करते हैं कि अब इन्हें अकेले ही रहना है, ठीक है, या इन्हें अकेले ही चलना है, क्योंकि गलतियाँ इन्होंने करी हैं जिसका रियलाइजेशन है। और अब आपसे कहना चाह रहे हैं शायद मुझे ना अब अकेले ही रहना है, यही मेरी डेस्टिनी है, उसे मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग अवर लाइफ टुगेदर। हालांकि छोटी सी, बहुत छोटी सी उम्मीद है कि उस दिन का वेट रहता है, इंतज़ार रहता है कि हम दोनों फिर से साथ में स्टार्टिंग कर रहे हैं। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो। आपसे कहना चाह रहे हैं दिल ना तुम्हें जाते हुए देख नहीं पा रहा है, मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में रहो, मुझसे दूर मत जाओ, ठीक है। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। तो व्यूअर्स देखो, यहाँ पर ये चीज़ें तो हैं कि इस पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ें हैं ना कि इस इंसान ने एक इतनी बड़ी गलती कर ली है कि उस गलती के बाद अब ये ना हर एक कदम उठाने से पहले डर रहे हैं, हर एक डिसीज़न लेने से पहले डर रहे हैं। इनके माइंड में जैसे ये चीज़ें हो गई हो, जैसे कि होता है ना कि इंसान फेल होने के बाद ना दोबारा से कंपटीशन में बैठने से डरता है, तो ये पर्सन अपने आप को आजकल उस जगह पे पा रहे हैं, दोबारा से बैठना ही नहीं चाह रहे हैं कंपटीशन में। फिर हार या जीत का तो अभी सवाल ही नहीं उठता, तो वो ये पर्सन आजकल सोच रहे हैं। उसी सोच की वजह से ये पर्सन इतने ज़्यादा अपने आप को स्टक कर रहे हैं। ये जो स्टकनेस है ना, ये मेंटली लेवल पर इंसान अपने माइंड से इस चीज़ को सेट कर रहा है या उसे प्रोग्राम कर रहा है कि भाई मैं स्टक हूँ, मैं नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, या अगर मैं गया या गई तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगी, मुझे चार सुना देगा। तो यहाँ पे इंसान अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहा है, ठीक है। तो वो स्टकनेस है, ऐसा नहीं होता स्ट्रेंथ का मतलब कि भाई आप में से कुछ लोगों के हिसाब से स्ट्रेंथ का मतलब है कि भाई कुश्ती थोड़ी लड़नी है, है ना। कुश्ती लड़ने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो स्ट्रेंथ अलग तरह की है, और ये यहाँ पर जो स्ट्रेंथ की बात हो रही है, करेज की बात हो रही है, वो डिफरेंट टाइप की हो रही है। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर, और आपको किस तरह से गाइड करना चाहते हैं। गाइड कीजिए बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए बताइए यूनिवर्स। पीसफुल रिजोल्यूशंस Within the next few months and communicate clearly। ठीक है, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में यहाँ पर आप दोनों के बीच में चीज़ें रिजॉल्व होंगी, बहुत शांति से बैठकर चीज़ें रिजॉल्व होंगी, और यहाँ पर बहुत शांति से बैठकर बातें क्लियर भी होंगी, मतलब बातें भी होंगी और क्लियर भी होंगी, कुछ भी छुपाव नहीं रहेगा, जो होना ज़रूरी भी है। अगर रिश्ते में छुपाव आ रहा है ना, तो रिश्ता बनना ना बनना बेकार है। अगर ये पर्सन आपसे बात करना शुरू कर देते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का माइंड इस चीज़ को लेकर सेट है कि वो मुझसे बस बात कर ले,
अगर वो इंसान आपसे बात करना शुरू कर देता है या कर देती है, लेकिन वो आपसे बेहद सारे सीक्रेट्स रख रहा है या रख रही है, तो क्या आपका भरोसा उस पर बन पाएगा? बल्कि जो बना बनाया है या जो थोड़ा बहुत भी है ना, वो भी टूटकर बिखर जाएगा। तो आप अपनी तरफ ऐसी कॉल क्यों मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं व्यूअर्स, जो एक्चुअली में पूरी क्लियर है ही नहीं? मतलब एज एन की अगर ये आपसे कॉल कर लेते हैं और आप बात कर रहे हो और वो आपसे सिर्फ हाँ अच्छा ओके ठीक है ऐसे बात कर रहे हैं, तो आप ही बताइएगा ये बात करना या ना करना बराबर ही तो बचा। बात यहाँ पर होनी ज़रूरी है क्लियरली, जो मन में है, जो दुविधा है, वो सब क्लियर होनी चाहिए। अगर कुछ मन में डाउट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का तो यही माइंड सेट है कि भाई इतनी फीलिंग्स है तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब फीलिंग्स हैं लेकिन वो बता नहीं रहे हैं आपको, रीज़न भले कुछ भी हो। तो आप बताइए आपका मन, आपका दिल वहाँ पे वापस से हील होगा या और टूट कर बिखरेगा? तो चीज़ें वही मैनिफेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आप में से आधे लोग, आधे बोल रही हूँ 50% लोग इसी तरह की कॉल अपने पार्टनर की साइड से मैनिफेस्ट कर रहे हैं डे बाय डे। बस कॉल कर ले, मुझसे बात कर ले, चाहे वो हाँ ठीक है ओके तक ही सही हो, ठीक है? तो ऐसा मत कीजिएगा, जो करो बिल्कुल क्लियरली मैनिफेस्ट करो, बिल्कुल सही थॉट्स रख कर विजुलाइज करो। ऐसी चीज़ें मत मैनिफेस्ट करो जो आपको भी तकलीफ दे जाएं। थोड़ा कड़वा सच ज़रूर है, लेकिन सच कड़वा ही होता है और कड़वी दवाई भी कड़वी होती है, लेकिन वही सही कर लेकर आती है चीज़ों को। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आपको क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।